नमस्कार प्यारी बहनों, आज हम आपको घर में बनाने के लिए बताएंगे बादाम का हलवा। बादाम का हलवा आप अपने घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री नोट कर लीजिए, 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम ही बराबर मात्रा में शुद्ध देसी घी चाहिए। इसके अलावा आप एक कौली दूध की ले लेनी है। इसके अगर दूध आप इसमें नहीं डालना चाहते तो पानी भी एक कौली डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से उसका पौष्टिकता बढ़ जाएगी, अच्छा बन जाएगा। और एक ही कौली आपने शक्कर ले लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक कढ़ाई में घी डाल देना है और 6 घंटे पुसे हुए बादाम, इसको पहले 6 घंटे पहले पुसा देना है। पुसा करके इसके जो परत होती है इसको छील लेना है, छील करके इसको 6 घंटे पहले पुसे होने चाहिए। उसके बाद आपने इसमें अंदर वो डाल देने हैं बादाम, और अगर ऐसे बादाम नहीं डालने इसको टाइम लग जाएगा। इससे पहले आप इसको बादाम को अच्छी तरह सिलबट्टे में पीस भी सकते हैं। अगर उस पर सिलबट्टा नहीं है आपके पास तो आप घर में मिक्सी से इसको पीस सकते हैं, इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने क्या करना है कि घी में मिला करके इसको इसमें डाल देना है कढ़ाई में, इसको अच्छी तरह भूनना है। जब भूनते रहना है तो जब देखें कि घी ने बादाम ने घी की जगह छोड़ दिया है, घी अपना उसके अंदर मिक्स हो गया है, छोड़ गया है, तो उसके बाद आपने दूध डाल देना है और इसको हिलाते रहना है। और जब देखना है कि दूध भी इसके अंदर सूख गया है तो आप उसमें शक्कर डाल देनी है। शक्कर डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि तला ना लग जाए, काली ना हो जाए, हिलाते रहना है। और इसको हिलाने के बाद जब आप देखें रेड ब्राउन सा हो गया है, काफी गाढ़ापन आ गया है, तो इसको आपने उतार लेना है और कोली में डाल करके ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर आप इलायची पाउडर छिड़क सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। ये बादाम का हलवा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद अपने घर में अच्छी तरीके से बना सकते हैं। राजस्थान की मशहूर डिश है बादाम का हलवा, आप अपने घर में बनाइए और खाकर राजस्थान का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।